सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गई। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विमान है वो किस तरीके से टेक ऑफ किया और उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से यहाँ पर जो है आग लगती हुई टायर में पहले नजर आई और उसके बाद ये पूरी आग जो है प्लेन में लग गई, यानी पूरी प्लेन जो है वो आग के चपेट में आती हुई नजर आ रही। यानी एक मिनट का भी यहाँ पर समय नहीं था कि किसी को भी बचाया जा सके और ये प्लेन जो है आगे बढ़ी और उसमें आग लगी, उसके बाद वो ऊंचा नहीं उठ सकी, उसके बाद दूसरी तरफ जाकर गिरती हुई नजर आ रही। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये प्लेन जो है वो क्रैश हुई। तो ये सीधी तस्वीरें बड़ी खबर आपको दिखा रही है, ये तस्वीर जनसत्ता के हाथ लगी है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्लेन जब है टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी यहां पर जो पहिया है जिसके फिसलने की बात की जा रही है वो यहां पर फिसला और घर्षण जिसे कहते हैं वो यहां पर जमीन के साथ हुआ और उसके बाद चिंगारी के बाद आग लगी। और आप देखिए कि पहले नीचे के हिस्से में आग लगी और उसके बाद पूरी प्लेन इस आग चपेट में नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे किस तरीके से ये आग जो है वो लगती हुई नजर आ रही है और ये काफी ज्यादा खतरनाक तस्वीर है। पहले यहां पर प्लेन के पिछले हिस्से में आग लगी और उसके बाद पूरी प्लेन जो है इस आग के चपेट में आ गई। जो तस्वीरें अब आ रही है नीचे की तरफ आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे, देख सकते हैं वो प्लेन जब उसने यात्रा की शुरुआत की तब वो कैसी दिख रही थी और अब आग लगने के बाद ये पूरी तरीके से तबाह हुई नजर आ रही है और इसमें मौजूद 18 यात्रियों की दर्दनाक मौत जो है वो इसमें हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर 19वें यानी कि जो पायलट थे उनकी जान बचाई गई, हालांकि बताया जा रहा है उनकी हालत भी काफ़ी गंभीर है। कई जगह झुलसने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है और आग बहुत ज़्यादा बड़ी थी, काला धुआं जिस तरीके से निकल रहा था उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आग की बड़ी बड़ी लपटें जो हैं वो इसमें नज़र आई। हमने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर यह हादसा हुआ और अब यहाँ पर जो है सरकार को जागने की ज़रूरत है कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और नेपाल में ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही, कई बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान इसी तरह के हादसे में गंवाई है। आपको बता दें कि प्लेन अशौर एयरलाइंस का बताया जा रहा है और एयरलाइंस ने लिस्ट भी जारी की है उस प्लेन में कौन कौन लोग सवार थे, ये भी यहाँ पर बताया गया कि सारी जानकारी जो कि उस लिस्ट के जरिए भी दे दी गई है। 19 लोग सवार थे, 18 लोगों की जान जो है वो इसमें चली गई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे, 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर शुरू से ही हमारे पास है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जवान पहुंचे थे जब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लगभग सब कुछ नष्ट हो चुका था। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त वहाँ का क्या हाल चाल है, वहाँ पर जो प्लेन है उसको वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि बाकी जो यहाँ पर विमान है बाकी जो उड़ान है इसकी वजह से प्रभावित हो रही है। इसलिए अभी फिलहाल वहां से जो भी प्लेन के जो भी परखच्चे उड़ गए हैं उन तमाम चीजों को यहां से साफ किया जाएगा, लोगों को वहां से हटाया जाएगा, उस रनवे की जांच अब होगी। आपको बता दें रनवे 2 जो है वो बताया जा रहा है कि यहां से टेक ऑफ किया गया था और रनवे 20 पर जाकर ये विमान जो है यहां पर गिरता हुआ नजर आया। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे किस तरीके से ये जो है नेपाल का जो ये पूरा प्लेन क्रैश है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरों के जरिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हमने कुछ बयान भी आपको सुनवाया कि किस तरीके से ये पूरा हादसा जो है वो सामने आया, जिसमें लोगों ने बताया कि ये हादसा बेहद ज्यादा भीषण था, जब देखा तभी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ही कोई इसमें बच पाएगा। फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे किस तरीके से ये हादसा जो है हुआ और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। आपको बता दें इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है, विमान का पायलट गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अब तक जो चीज़ें भी इसमें हुई हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर अब यहाँ पर जांच होगी, एयरपोर्ट की विमान की सब चीज़ों की जांच जो है वो यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये CRJ-200 मॉडल जिसका यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है वो कैनेडा की बॉम्बार्डियर कंपनी जो है वो बनाती है। 21 साल पुराना ये विमान था, मरम्मत के लिए पोखरा की ओर बढ़ रहा था तभी यह हादसा